श्रोताओं, आज का कमेंट लिया है हमने श्रीमान हरिशंकर बोलानी जी का। इनका कमेंट है, धर्म धुरंधर महाराज की है बात, लड़का व्याहन वे चले बिन दूल्हे की बरात। स्वागत सत्कार हुआ सबका, झुकाए सब शीश, अनोखा व्याह देख पुलकित भई मुस्काए जगदीश। श्रोताओं, आप देख रहे हैं भक्ति ज्ञान सागर चैनल। मेरा सभी श्रोताओं को प्रणाम, बोलो जय श्री कृष्णा। श्रोताओं, जो भी हमारे नए श्रोता हैं, वो बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, तभी आपको हमारा ज्ञानात्मक वीडियो प्राप्त हो सकता है, अन्यथा नहीं। श्रोताओं, आजकल आप कमेंट बहुत कम कर रहे हो, इसलिए आप पहेलियां पूछिए, कमेंट करिए, हमारा प्रयास रहेगा हम आपके प्रश्नों का जवाब देते रहें। तो श्रोताओं, अब हम श्रीमान हरिशंकर गोलानी जी के प्रसंग की तरफ चलते हैं। इनका कमेंट काफी पुराना हो गया था, लेकिन हमने स्क्रीनशॉट लेकर के पहले ही रख लिया था। तो श्रोताओं, प्रसंग उस समय का है जब भगवान श्री राम और लक्ष्मण को दशरथ जी के पास से विश्वामित्र जी ले जा चुके थे और उन्होंने ताड़का आदि राक्षसियों का वध भी कर दिया था। उसके पश्चात विश्वामित्र ऋषि को राजा जनक अपने दरबार में निमंत्रित करते हैं। श्रोताओं, राजा जनक जी के साथ भगवान श्री राम और लक्ष्मण भी थे, तो निमंत्रित होने पर जो विश्वामित्र ऋषि थे वो वहां से चलते हैं। निमंत्रण किस बात का था? तो श्रोताओं, राजा जनक ने अपनी पुत्री सीता का स्वयंवर रचाया था और उस स्वयंवर में शर्त रखी थी कि जो कोई भी इस धनुष को तोड़ेगा वही सीता जी का पति होगा। श्रोताओं, धनुष के बारे में एक ऐसी बात है कि जब सीता जी अपने घर में झाड़ू पोंछा करती थी तो वे उस धनुष को एक हाथ से उठा करके साइड में रख देती थी। अब राजा जनक को जब इस बात का पता था तो उन्होंने सोचा, मैं शादी उसी के साथ करूंगा जो इस धनुष को उठाएगा और तोड़ेगा, क्योंकि जो वर है वो भी तो कन्या के मेल का होना चाहिए। इसलिए उस शिव धनुष को सीता स्वयंवर में ला करके रखा था। श्रोताओं, उस स्वयंवर में रावण भी आया था। रावण की अंगुली धनुष के नीचे दब गई थी, जिससे वह हंसी का पात्र बना था। श्रोताओं, सभी राजाओं ने काफी प्रयास किया, लेकिन कोई भी धनुष को नहीं तोड़ पाया। श्रोताओं, जब कोई भी धनुष को नहीं तोड़ पाया तो राजा दशरथ जी कहते हैं, क्या छत्री समाप्त हो गए? क्या धरती क्षत्रियों से खाली हो गई है? श्रोताओं, इतनी देर में ही लक्ष्मण जी खड़े हो गए, लेकिन जब लक्ष्मण जी कहने लगे तो भगवान श्री राम ने बिठा दिया। भगवान श्री राम ने गुरु विश्वामित्र की आज्ञा लेकर के धनुष की तरफ आगे बढ़े,
धनुष को उठाया और उस धनुष को तोड़ दिया। अब श्रोताओं इसकी सूचना अयोध्या में भी लगी कि भगवान श्री राम ने धनुष तोड़ दिया है, तो वहां से बारात सज के चलने लगी। तो श्रीमान हरिशंकर गोलानी जी, आपका प्रसंग ही लगता है, धर्म धुरंधर महाराज की है बात, लड़का विहान बे चले बिन दूल्हे की बारात। महाराज दशरथ जी ने बारात को सजाया और बारात लेकर के चल दिए। अब तो श्रोताओं उस बारात को लोग बाग देखें, लेकिन उसमें कहीं दूल्हे दिखाई नहीं दे। अब करें तो करें क्या, हर कोई पूछे दूल्हे कहाँ है, लेकिन अब दूल्हे का नाम बताए तो कौन बताए, क्योंकि बारात में दूल्हे था ही नहीं। तो श्रोताओं बिना दूल्हे की जो बारात थी वो भगवान श्री राम की बारात थी, जिसको दशरथ जी आदि सभी बड़ी प्रसन्नता के साथ उस बारात को ले गए थे। जहां बारात रुकती वहीं उनसे प्रश्न किया जाता, इसमें दूल्हे कहाँ है, तो सेनापति कहता अरे लड़के के फूफा को पूछो, कोई कहता लड़के के जीजा को पूछो, कोई कहता उसके पिता को पता होगा कहाँ है दूल्हे। तो ऐसे करते करते बिना दूल्हे की बारात को जनकपुरी में ले गए। तो श्रोताओ बिना दूल्हे की बारात और किसी की बारात नहीं थी, बल्कि भगवान श्री राम की बारात थी। अब वो जनकपुरी पहुंच गए। जब जनकपुरी बारात पहुंची तो सवाल उठने लगे कि इनका दूल्हे कहाँ है। तो कभी भरत को आगे कर देते, कभी शत्रुघ्न को आगे कर देते, ये हैं हमारे दूल्हे, लेकिन वो दूल्हे वास्तव में थे ही नहीं। तो श्रोताओं जब दशरथ जी बारात लेकर के बिना दूल्हे की बारात लेकर के अयोध्या में पहुंच गए, तो वहां भगवान श्री राम का विवाह सीता जी के साथ संपन्न हुआ, लक्ष्मण जी का विवाह उर्मिला के साथ संपन्न हुआ, और भरत जी का विवाह मांडवी नाम की कन्या के साथ हुआ, और शत्रुघ्न का विवाह सुत कीर्ति के साथ हुआ। तो इस प्रकार से उस शादी में चारों भाइयों का विवाह हुआ था। और जब बारात गई थी तो बिना दूल्हे की बारात थी, क्योंकि उस समय उसमें कोई दूल्हे बना हुआ ही नहीं था, और भगवान श्री राम तो जनकपुरी में थे ही थे। तो श्रीमान हरिशंकर गोलानी जी, आपकी पहेली यही लगती है, धर्म धुरंधर महाराज की है बात, कोई विशेष पहुंचवान महाराज संत की बात है, लड़का ब्याहन बे चले बिन दूल्हे की बारात। अर्थात दशरथ जी लड़का को ब्याहने के लिए जा रहे हैं, लेकिन उनकी बारात बिना दूल्हे की थी, क्योंकि जनकपुरी में ही भगवान श्री राम और लक्ष्मण थे। स्वागत सत्कार हुआ सबका, झुकाए सब शीश, सबका स्वागत सत्कार हो रहा है, लेकिन सबने सिर झुका रखा है, क्योंकि कोई ये नहीं पूछ ले कि दूल्हे कहाँ है। अनोखा ब्याह देख पुलकित भई, मुस्काए जगदीश,
और ऐसी अनोखी शादी को देख करके जगदीश यानी भगवान श्री राम मुस्काए। श्रोताओं, अब हम आपसे लेते हैं विदा। बोलो जय श्री राम।